गाइस, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टैक एमसी में। तो आज मैं आपको एक ऐसी शानदार सी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके मदद से यहाँ पे आप अपनी मोबाइल की लो बैटरी को यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल पुराना हो चुका है और उसके कई ज्यादा फीचर्स डाउनलोड हो चुके हैं और फ्रेंड्स पुराना हो रहा है, आपके मोबाइल की बैटरी काफी ज्यादा स्लो चलती है। तो फ्रेंड्स आज की ट्रिक से आप इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन से एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि जो कुछ आपको समझा वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें जो बेल आइकन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और अपडो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है बैटरी सेवर। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना, उसके बाद चैनल के आइकॉन के ऊपर प्रेस करना। जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में चले जाना, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी। जहाँ जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो के टाइटल प्रेस करना है, टाइटल प्रेस करते वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसके चेक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप से इंटरफेस आपको दिखाई दे देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम ले सकता है और यहाँ पे एड भी आ सकता है एप्लीकेशन को ओपन होने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस एड को स्कीप कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड का टाइम खत्म होता है तो इसको स्कीप कर देना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनाइज वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो जो परमिशन मैं अलाउ कर रहा हूँ सारी आपको भी अलाउ कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है क्योंकि मेरा स्लो हो गया है यहाँ पे मोबाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको परमिशंस को अलाउ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैक आऊंगा फिर से ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन में प्रेस करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर से आपको एड आएगा। इस एप्लीकेशन में आपको एड ही काफी सारे मिलेंगे क्योंकि ये फ्री का वर्जन है, इसलिए आप एड को इग्नोर करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एड का जैसे ही टाइम खत्म होता है तो यहाँ पे मैं एड को स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे बार बार बैक टू बैक ऐड आते रहेंगे तो ऐड को यहाँ पे आपको इग्नोर करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन लेगा और यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज कर देगा। अब आपके मोबाइल में जितने भी इरर हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह हैं सबको ये स्कैन करके ऑप्टिमाइज कर देगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी बैटरी लाइफ हैज बीन एक्सपेंडेड 20 आवर्स 2 मिनट, मतलब मेरी बैटरी लाइफ यहाँ पे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे आपको एक और फीचर सब मिल जाता है, यहाँ पे आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद कूल द बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कूल द बैटरी के ऑप्शन में प्रेस करके यहाँ पे आप बैटरी को भी कूल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से ऐड आएगा तो यहाँ पे आपको दोबारा से ऐड को स्किप कर देना है, यहाँ से स्किप कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी बैटरी की कूलिंग है वो यहाँ पे ये सॉल्व कर देगा। यहाँ पे आपका मोबाइल जितना भी हीट हो रहा था इसको ये सारे को कूल कर देगा। यहाँ पे कूल वाले फीचर्स को दिन भर में 1 या 2 बार कर लीजिएगा ताकि आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट कर दे ये एप्लीकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।